नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बड़ी खबर पंजाब से निकल कर आ रही है। पंजाब के अंदर जो अभी अभी सांसद बने हैं और डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं अमृतपाल सिंह, जिन पर एक तरीके से खालिस्तान समर्थक का ठप्पा लगा हुआ है, जो विवादास्पद व्यक्ति थे और अब नेता बन गए हैं, तो उनके भाई को ड्रग्स के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स का जाल फैल रहा है और उसमें नेताओं से लेके पुलिस तक के लोग इन्वॉल्व हैं, मोटी कमाई है, जनता बर्बाद हो रही है, लोग वहाँ नशे से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद लोग वहाँ ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व। इस बार ये जो गिरफ्तारी है, इसने सभी को चौंका दिया। राजनीतिक हलकों में इस गिरफ्तारी को लेके बहुत हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह अब ड्रग्स के मामले में घिर चुके हैं बुरी तरीके से, और इनके पास ड्रग्स जो पकड़ी गई है उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया पंजाब के। अमृतपाल सिंह अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और अभी हाल फिलहाल उनके छूटने की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि उन्होंने राज्य लोकसभा में आकर शपथ ले ली है, परंतु ये एक नया जो उनके साथ एक अध्याय जुड़ गया है, ये कई तरीके के संकेत देता है। जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, इसीलिए इस तरीके के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और अगर अमृतपाल सिंह का भाई ड्रग्स लेते हुए लाते हुए सप्लाई करते हुए पकड़ा जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इशारा करती है किसी गहरी साजिश की। हालांकि अमृतपाल सिंह के जो परिवार है उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है और इसको एक साजिश करार दिया है, लेकिन अभी मामला क्या है अभी आगे पता चलेगा। हम आपको इसमें सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। खालिस्तान समर्थक लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह के भाई को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने फिल्लौर के पास से ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि अमृतपाल गुवाहाटी जेल में है, हालांकि वह खंडूर साहिब से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ले चुका है। एसएसपी अंकुर गुप्ता और डीएसपी फिल्लौर सरमजीत सिंह ने बताया कि हरप्रीत सिंह के पास से 4 ग्राम आइस ड्रग्स बरामद की गई है। जिस वक्त उसे काबू किया गया वह नशे में था और उसके दो साथियों को भी पकड़ा गया था। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी अंकुर गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों आरोपी लुधियाना के संदीप अरोड़ा से आइस ड्रग्स लेकर आ रहे थे। फिल्लौर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान इन्हें पकड़ा गया। क्रेटा कार में सवार हरप्रीत सिंह और लवप्रीत सिंह नशे में थे। इन दोनों के मेडिकल टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों आरोपी लुधियाना के हैबोवाल निवासी संदीप से 10,000 रुपये की आइस ड्रग्स लेकर आए थे। बाद में आरोपी संदीप अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटना की वीडियोग्राफी भी कराई है। पुलिस ने दोपहर में अमृतपाल के भाई हरप्रीत को उसके साथी के साथ कोर्ट में पेश किया। अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के मामले में परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पिता तरसेम सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे परिवार पर बन रहे भरोसे के कारण यह सरकार अब गलत नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि जहां नशा खत्म करने की असली जरूरत है, पुलिस कुछ नहीं करती, निर्दोष परिवारों को फंसाने में लगी रहती है। अमृतपाल सिंह के भाई की गिरफ्तारी के बाद विरोधियों ने सवाल खड़े किए हैं। अमृतपाल से लोकसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार कुलबीर सिंह
जीरा ने कहा कि इससे पूरे सिख धर्म को शर्मसार कर दिया है इस घटना ने। अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अमृतपाल की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं उसके 9 सहयोगी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वारिस पंजाब का चीफ अमृतपाल पंजाब में नशा विरोधी मुहिम चलाकर ही सुर्खियों में आया था। यही नहीं, अमृतपाल खुद अपने साथियों के साथ मिलकर नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था। आज उसी का भाई नशे के साथ पकड़ा गया। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है। और आप ये तो हमेशा से सुनते रहे हैं कि आतंकवादी और नशे के सौदागरों का एक सिंडिकेट है। आतंकवादी अपने खर्चों को, अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, फेक करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और इस अमृतपाल सिंह के इस भाई की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले की पोल खोल कर रख दी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, आप अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।